नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़। हरियाणा विधानसभा के तीसरे और आखिरी दिन सदन में जमकर हंगामा हो रहा है। यहां सदन में कार्रवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला व कांग्रेस के नेता करण सिंह दलाल ने एक दूसरे को मारने के लिए जूते तक निकाल लिए। मौके पर बीच बचाव करने के लिए मार्शल को आना पड़ा और सदन की कार्रवाई 14 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद सदन में प्रस्ताव ला करके करण दलाल को सदन की कार्रवाई से एक साल के लिए निलंबित कर दिया गया। वही मामला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेता और पलवल के विधायक करण सिंह दलाल आधार की वजह से राशन न मिलने के मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत उठाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आधार की वजह से लगभग 25 लाख लोग राशन से वंचित रह गए हैं। इस वजह से पूरा प्रदेश कलंकित हुआ है। करण सिंह दलाल की प्रदेश को कलंकित कर देने की बात पर सदन में बीजेपी के नेताओं के बीच में हंगामा हो गया। उन्होंने एतराज जताया कि प्रदेश के कलंकित कहना कतई गलत है। हंगामा ज्यादा बढ़ता देख विधानसभा स्पीकर कंवर पाल गुर्जर ने कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रदेश को कलंकित करने वाली बात कहना बिल्कुल गलत है। इस पर नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला अपनी बात रखे। अभय सिंह चौटाला ने इसी बात पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रस्ताव लेकर आओ और करण सिंह दलाल को सदन से बाहर करो। इस बात पर करण सिंह दलाल और अभय सिंह चौटाला के बीच में बहस हो गई। बहस यहां तक पहुंच गई कि अभय सिंह चौटाला ने अपना जूता निकाल लिया। इसके बाद करण सिंह दलाल ने भी अपना जूता निकाल लिया। दोनों एक दूसरे को अपशब्द कहने लगे। बीच बचाव करने के लिए मार्शल को बुलाना पड़ा और वे मार्शल बीच में आकर के उनको रोका। इसके बाद में 15 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने सदन की मर्यादा की उल्लंघना करने पर कड़ी निंदा की है इसकी। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र में सदन की मर्यादा की उल्लंघना करने की कड़ी निंदा की है और कहा है कि सदन की मर्यादा बनाए रखना हर प्रतिनिधि का दायित्व होता है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जो सदन की मर्यादाएं तोड़ी गई है वो अच्छी बात नहीं है। बाकी सत्रों में भी विधानसभा के नियमों के अनुसार विधानसभा स्पीकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट। मैं इसकी निंदा करता हूं और बाकी सेशन में स्पीकर साहब वो इसको देखेंगे और जो उनकी अनुकूल जो भी कुछ उनके नियम होंगे जिस हिसाब से उनको कार्रवाई करनी होगी स्पीकर साहब करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मर्यादाएं जो हैं बना के रखनी चाहिए। आज मर्यादाएं तोड़ी गई हैं, ये अच्छा नहीं है।